हेलो एवरीवन मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ऑफ एंशंट इंडिया आई एम सोनप्रिया एंड आई टेक योर हिस्ट्री क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्लीपी सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ऑफ एंशंट इंडिया इन पार्ट टू वी विल बी डिस्कसिंग द फैक्टर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर तो कहानी कुछ ऐसी है अराउंड मिड ऑफ थर्ड सेंचुरी सी दैट इज 250 फिफ्टी सी द कुशाणा पावर है डिक्लाइंड एंड ऑन द ऑफ ऑफ वी विल सी राइज मेनी स्मॉल रीजनल पावर्स फॉर एग्जाम्पल इन एंड अराउंड अलहाबाद और प्रयागराज द गुप्ताज वर राइजिंग नागाज इन सेंट्रल इंडिया इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट द योद्या एंड द अर्जुनिया वर एमर्जिंग एज अ मेजर पावर एंड द कुशाणाज वर कन्फाइंड टू अ स्मॉल पार्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया शानास विदर कोर एरिया इन द मिडिल गैजेटिक प्लेन इन एन अराउंड अयोध्या और साकेत प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्र दे विल बी सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ फुलजेड एम्पायर तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वॉट आर द फैक्टर्स दैट एडेड द इनिशियल राइज ऑफ द गुप्ताज विजी द अदर रीजनल पावर्स सो अगर हम गुप्ताज के कोर एरिया की बात करें तो ये मिडिल गैजेटिक प्लेन के अंदर था और यहाँ पे ये काफी फर्टाइल एरिया है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी थी स्टेट के पास एक अच्छा रेवेन्यू बेस था अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे इनकी पोजिशन के वाया सेंट्रल इंडिया के जो आयरन ओर्स हैं उनका भी इनको अच्छा खासा एक एक्सेस था साथ ही साथ में जो नॉर्दर्न ट्रेडिंग रूट है तक्षशिला से तामलुक तक इस पर इनकी एक स्ट्रेटेजिक पोजिशन थी जिससे इनको काफी फायदा हुआ इतना ही नहीं गुप्तास जो हैं ये कुशानाज के फ्यूडल चीफ्स थे और इन्होंने कुशानाज के जो मिलिट्री इनोवेशन हैं फॉर एग्जाम्पल स्किल्स एज हॉर्समैन एंड नॉट ओनली दिस द यूसेज ऑफ आयरन सेडल रेन बटन कोट्स ट्राउजर्स इन सबको भी अडॉप्ट कर लिया था जिसकी वजह से इन्हें एक मिलिट्री एडवांटेज भी रहा विज अभी अदर इमर्जिंग पावर्स और धीरे धीरे हम देखेंगे कि मिडिल गैन्जेटिक बेसिन जो एरिया है आपका अयोध्या या साकेत प्रयाग या अलाहाबाद वाराणसी एंड आपका पाटलिपुत्र का आसपास वाला एरिया यहां से एक्सटेंड करके ये एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे जो इम्पोर्टेंट गुप्ता रूलर्स हैं जिनका गुप्तास के राइज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हम देखेंगे उनमें श्रीगुप्त हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं जब कुशाणा पावर डिक्लाइन कर रहा था तो श्रीगुप्त ने अपनी ऑथोरिटी को मिडिल गैंडटिक प्लेन वाले एरिया के अंदर असर्ट किया प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी हैं, वो अपने पूना इंस्क्रिप्शन के अंदर श्री गुप्त को अधिराज ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी कहती हैं। इनके बेटे हैं और सक्सेसर हैं घटोत्कच। आप देखेंगे कि 250 से लेकर के लगभग लगभग 319 नाइनटीन सीई तक गुप्ताज जो हैं, वो महाराजा टाइटल का इस्तेमाल करेंगे विच मींस वॉर्ड दिस मीन्स वर स्टिल फ्यूडल चीफ ऑफ दुशानाज नेक्स्ट

चंद्रगुप्त फर्स्ट को समुद्रगुप्त जो हैं उन्होंने सक्सीड किया और इनके टाइम पे हम देखते हैं एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त हुए जिनका रेंज बहुत ही ब्रीफ था और उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो नेक्स्ट गुप्ता रूलर बने इन्होंने फर्दर एम्पायर का एक्सटेंशन किया और ये इन्होंने मेट्रीमोरियल अलायंसेस यानी डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट दोनों का सहारा लेते हुए किया चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में इंपॉर्टेंट रूलर हैं कुमार गुप्त हम देखते हैं कि इनका जो इनिशियल रेन है वो काफी पीसफुल है बट अराउंड 450 हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से हुन्स जो हैं या जिनको आप हंड कहते हैं इंग्लिश में इनका इन्वेजन होता है एक सेंट्रल एशियन ट्राइब का और इसके बाद में आप देखोगे कि जो इम्पैक्ट रहा उसके वजह से गुप्तास का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है एंड गुप्त जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं दो गुप्तास का डिक्लाइन 450 फिफ्टी सीई के आसपास शुरू हो जाता है देयर पावर टिल मोर हंड्रेड एंड अराउंड 550 फिफ्टी सीई आप देखेंगे कि गुप्तास जो हैं अगेन दे वर कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार विथ पाटलिपुत्र एज देयर कैपिटल एंड दे आर नोन एज लेटर और लेट गुप्ताज और अर्थवाइल जो गुप्ता एम्पायर है उसके ऊपर हमें काफी रीजनल पावर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल दल्लभीज ऑफ गुजरात जहां पर मेत्रिका डायनेस्टी रूल कर रही थी मोखारीज ऑफ कन्नौज स्थानेश्वर इन हरियाणा में आपको पुष्यभूति डायनेस्टी नजर आएगी आपको ब्रह्मपुत्रा के अंदर वर्मन जो है वो नजर आएंगे so अगर हम गुप्ता डायनेस्टी का जो राइज है उससे लाइन ग्राफ पे प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि श्री एंड घटोत्कच जो हैं, ये अभी भी कुशानाज के फ्यूडल चीफ्स थे महाराजा टाइटल का इस्तेमाल कर रहे थे बट इन्होंने अपनी अथॉरिटी को एसर्ट किया कुशाना के डिक्लाइन से जो अपॉर्चुनिटी अराइज हुई थी उसका फायदा लेते हुए आगे चल के हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हैं जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है और इनका जो रूलिंग पीरियड है उसका स्टार्टिंग ईयर गुप्ता एरा के बिगिनिंग को मार्क करता है एम्पायर का एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन होता गया समुद्रगुप्त के टाइम पर एंड चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इनफैक्ट चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज इस टाइम पर हम देखेंगे कि लिटरेचर के अंदर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं कुमार गुप्त हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जिनको हमने डिस्कस किया और इनके टाइम पे हम देख सकते हैं हुनास के इन्वेशन के साथ में ही गुप्तास का जो राइज यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो रहा था अब उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलने लगा है जो यहाँ से कंटिन्यू होके अगले ंड्रेड ईयर्स तक चलेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट जिनको रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं अगर हम इनकी बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि 319 सीई के पास में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को एसर्ट किया इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के वाया इनके आसपास में जो स्मॉलर वीकर पावर्स थे उनके एरियाज को अपनी टेरिटरीज में मर्ज किया बट इनका जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द राइज ऑफ द गुप्ताज वो है मेट्रीमोलियल अलायंसेस एंड इसके वाया गुप्ता पावर की जो लेजिटिमेसी है उसको एस्टेब्लिश करना एंड वाई टू एस्टेब्लिश दी द गुप्ता पावर क्योंकि गुप्ताज वैश्य वर्ण से आते थे दे वर नॉट क्षत्रियाज एंड अगर ये क्षत्रिय फैमिली में शादी कर लेते हैं तो यहां से क्या होगा कि इनके क्षत्रिया से अलायंस हो जाएगी और इनके पावर को लेजिटिमेसी मिल जाएगी साथ ही साथ में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं, उन्होंने ब्राह्मीस को भी काफी पेट्रोनाइज किया और ब्राह्मीनिकल क्लास जो है उससे भी अपने पावर की लेजिटिमेसी जो है वो गेन करी मेट्रीमोनियल अलायसेज में इन्होंने लिचवीज की जो प्रिंसेस हैं कुमार देवी उनसे शादी करी और इनसे ही इन्हें समुद्र गुप्त हुए आप यहां पे देखेंगे कि इनका जो कोर एरिया है वो मगध साकेत मॉडर्न डे अयोध्या प्रयाग इलाहाबाद इस तक एक्सटेंड करता था और इनकी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र थी ये कुमार देवी टाइप कॉइन्स के लिए फेमस हैं जो समुद्रगुप्त के द्वारा इशू करवाए गए थे इनके बेटे के द्वारा समुद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनका टाइम पीरियड रहा 335 से लेकर के 380 सीई तक और हम देखते थ्री थर्टी फाइव से लेकर एंपायर काफी ज्यादा एक्सटेंशन जो है एक्सपानशन जो है वो होता है अपने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स के वजह से ही विंसेंट स्मिथ जो है वो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं एम्पायर के एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन के लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन यानी आउटराइट मिलिट्री कैंपेन जो है उसका इस्तेमाल किया और हम देखते हैं कि इनके जो कोर्ट पोएट है हरिसेन उन्होंने इनकी तारीफ में एक प्रशस्ति लिखी है एक यूलॉजी लिखी है जो अलाहाबाद पिलर पर इंस्क्राइब्ड है और यहां पर हमें पता चलता है इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने अपने जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हैं उसमें फोर फोल्ड अप्रोच जो है उसको फॉलो किया फर्स्ट था इन, आपका जो मिडल गैन्जेटिक प्लेन्स हैं और अपर गैन्जेटिक प्लेन्स हैं इन एरियाज के अंदर जो वीकर पावर्स हैं उनको हरा करके इनके टेरिटरीज को डायरेक्टली गुप्ता कंट्रोल के अंदर ले लिया गया नेक्स्ट है द इनर स्टेट्स जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपकी असम बंगाल नेपाल एंड नॉर्थ वेस्ट में जो गणा संघास थे वो आते हैं और आप यहां पे देखेंगे कि इनको भी हराया गया दे वर फोर्स टू सबमिट बिफोर द गुप्ताज एंड दे कि ये टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट पे करेंगे कोर्ट अटेंड करेंगे और समुद्र गुप्त के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें भी ओबे करेंगे नेक्स्ट इज द ट्वेल्व किंगडम्स ऑफ द सदर्न इंडिया और डेके अगर हम इनकी बात करें तो आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है उन्होंने गंगा को क्रॉस करके साउथ की तरफ एक कैंपेन जो है उसे लीड किया और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने पल्लवा रूलर विष्णु गोपा जो हैं उन्हें हराया और पल्लवास को भी गुप्ताज की पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करने एंड टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट पे करने के लिए फोर्स किया ऐसे ही और भी बारह रीजनल किंगडम्स थे जिनके रूलर्स को इन्होंने सबमिट करने और ट्रिब्यूट पे करने के लिए फोर्स किया बट इनके एरियाज को डायरेक्टली समुद्रगुप्त ने अनेक्ट नहीं किया पॉलिसी ऑफ काउंसिलियन जो है उसे फॉलो किया गया कि आप अपने एरिया को जैसे रूल करते आए हैं वैसे रूल कीजिए बट एट द सेम टाइम आप हमारी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करो और ट्रिब्यूट पे करना इसका रीजन था उन दिनों लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के वाया पाटलिपुत्र में बैठ करके साउथ को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था तो ये काफी प्रेगमेटिक स्टेप था समुद्रगुप्त का यहां पे हम देखेंगे कि जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं वो हैं द आउटर स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड श्रीलंका यहाँ के रूलर्स ने भी समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेके दे सबमिटेड यहाँ पे इन्होंने अपनी बेटियां जो हैं उनकी समुद्रगुप्त से शादी करवाई और इन्होंने इन जनरल समुद्रगुप्त का जो पावर है उसे एक्सेप्ट किया तो समुद्रगुप्त का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी दूर दूर तक फैला हुआ था एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गुप्ता टेरिटरीज चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे केवल इतने एरिया तक कन्फाइंड थी अब डायरेक्ट कंट्रोल तो एक्सटेंड हुआ ही हुआ है इन एरियाज के अंदर गैंजेटिक प्लेन्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है उसको अगर हम यहां काउंट करें तो आप देख सकते हैं कि जो गुप्ता टेरिटरीज हैं वो इस एंटायर एरिया तक स्प्रेड हो चुकी थी और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हरी की अलाहाबाद प्रशस्ति से इनफैक्ट अलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो असम श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के रूलर्स हैं वो समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट पे किया करते थे इसके अलावा आप देखेंगे कि इस अलाहाबाद पर कविराज की तरह एड्रेस किया गया है बिकॉज ऑफ स्किल्स ऑफ पोएट्री आप देखोगे कि, कि इनके कॉइन्स पे इनको वीणा प्ले करते हुए दिखाया जाता है सो ही वॉज ऑल्सो अ गुड म्यूजिशियन अलाहाबाद पिलर को अगर हम देखें तो इसमें इन्हें धनद करके एड्रेस किया गया है विच मीनस ही इज हैविंग द वेल्थ ऑफ कुबेर आंतक कि ये अगर गुस्से में आ जाए तो ये यमराज की तरह हैं इनको अनुकंपवन कहा गया है कि ही इज अ वेरी कंपेशनेट रूलर साथ ही साथ में आप यहां पे देखेंगे कि अलाहाबाद पिलर जो है उससे हमें इनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके बारे में भी काफी इंसाइट मिलते हैं जैसे इन्हें कहा गया है धर्म प्रचार बंधु विच मीनस द अपहोल्डर Of the Brahmanical Hinduism, Gupta period marks the revivalism of Brahmanical Hinduism and Brahmanical Hinduism being a major religion in the गैंड plains. And आप देखेंगे आगे चल के फाहयान जो आएंगे वो भी इसको सपोर्ट करते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने अपनी विक्ट्री के बाद में अश्व मेघ सेक्रीफाइस जो है उसे परफॉर्म किया साथ ही साथ में इनके कॉइन्स पे भी इन्हें अश्व मेघ यज्ञ परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है इनके कॉइन्स पे आपको लक्ष्मी और गंगा जो है वो देखने को मिलेगी एंड दे आर अ टेस्टामेंट टू इन हिस्सा हिंदुइज्म आर्ड एंड फॉलोवर है वैष्णविज्म के बट इसके बावजूद आप देखेंगे ये अदर सेक्ट्स एंड क्रीड्स जो हैं उसके प्रति भी काफी टॉलरेंट हैं क्योंकि इन्होंने जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं वासु बंधु उनको पेट्रोनाइज किया नॉट ओनली दिस जब श्रीलंका के रूलर मेघवर्मन ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि वो बोधगया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनको इसकी भी परमिशन दे दी गई सो so, ये है समुद्रगुप्त के बारे में और आप देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड के दौरान गुप्ताज जो है उनका कोर एरिया ये पिंक शेडेड पोर्शन आप जो देख रहे हो इतना है बट अगर हम इनकी ओवरऑल टेरिटरीज देखें तो गुप्ता एम्पायर जो है वो अब इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है रीचिंग कांचीपुरम। इनके कंटेप्रीज हैं एंड वाकटका पल्लवाज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त सेकेंड आप देखेंगे इस टाइम पे गुप्ता एम्पायर का मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वो अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार के उनकी वाइफ से शादी करके गद्दी पर बैठे और ये जो पूरी कहानी है ये हमें विशाखा दत्त के एक संस्कृत ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम के अंदर देखने को मिलता है एंपायर के एक्सटेंशन के लिए इन्होंने डिप्लोमेसी एंड आउटराइट वॉरफेयर दोनों ही माध्यम जो है उनको अपनाया आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात करें तो मेट्रीमोनियल अलायंसेस में इन्होंने खुद कुबेर नागा जो है नागा प्रिंसेस उससे शादी करी और सेंट्रल इंडिया के अंदर जो नागा पावर है उसके साथ में अपने रिलेशनशिप को मजबूत किया अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती जो है उनकी शादी करवाई वाकाटका रूलर रुद्रसेन सेकंड जो है उनसे और की सेंट्रल इंडिया एंड के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आप यहां पे देखेंगे कि प्रभावती के हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई और उसके बाद में इनका बेटा छोटा था तो प्रभावती रीजेंट बन गई यानी वाका की जो पॉलिसीज हैं वो बाय एंड लार्ज गुप्तास के इंटरेस्ट में कैरी आउट की जाएगी और यहां हम देखते हैं कि जैसे ही वाकाटकास की स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन का एक्सेस गुप्तास को मिलता है इसका यूज किया गया साकास की जो वेस्टर्न ब्रांच है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और यहां पर लास्ट साका रूलर रुद्र थर्ड को हरा करके चंद्रगुप्त सेकंड जो है उन्होंने मालवा काठियावाड़ वाले एरिया को गुप्ता टेरिटरीज में इंक्लूड किया और अब गुप्ता टेरिटरीज वेस्टर्न पोर्ट तक पहुंच गई इससे क्या फायदा हुआ वेस्टर्न पोर्ट्स जो हैं भरूच सोपारा कल्याण ये गुप्तास के कंट्रोल में थे और यहाँ से होने वाला सारा ट्रेड अब गुप्तास के कंट्रोल में आ गया यानी कि इनके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो अब इंक्रीज हो गए इसके अलावा आप देखोगे कि इसी के साथ में मालवा में जो उज्जैन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ये इनकी सेकेंड कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश हो गई तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे गुप्तास के टेरिटरीज को देखें तो हम देख पाएंगे कि अब ये ये एंटायर एरिया कवर करती थी और यहां पर आप देखेंगे कि कोर एरिया अभी भी आपके मिडिल गैन्जेटिक प्लेन तक है इनकी पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है आप यहां देखेंगे कि इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइटल लिया इन्होंने साकारी का टाइटल लिया द डेस्टर ऑफ साकार बट इसके अलावा गोल्डन एज इनके पीरियड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में हम देखते हैं कल्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ आप देखेंगे कि इनके पीरियड से ही आयरन पिलर जो है मेहरोली का वो बिलोंग करता है एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है ये कोरोड नहीं करता इट इज रेजिस्टेंस टू इट इज हैविंग रेजिस्टेंस टू हैोशन ये उस टाइम की मेटोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है साथ ही साथ में हम यहां पे देखेंगे कि इनके कोर्ट में जो नाइन ल्यूमिनरीज हैं जिसमें कालीदास अमर सिंह ये लोग भी इंक्लूडेड हैं दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड संस्कृत लैंग्वेज हम यहां पे देखते हैं कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहयान जो हैं वो भी इसी टाइम पे भारत आए और उन्होंने उस टाइम की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशियो रिलीजियस सिचुएशन में जो कुछ ऑब्जर्व किया उसको फाइनली अपनी बुक के अंदर डॉक्यूमेंट किया एंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम इसमें से कुछ हैं कुछ हमारे लिए यूजफुल हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है कुमार गुप्त फर्स्ट इन्होंने महेंद्र आदित्य का टाइटल लिया बाय लार्ज इनका जो टाइम पीरियड है वो काफी पीसफुल था लेकिन आप देखेंगे कि इनके लेटर पार्ट में अराउंड 450 फिफ्टी सीई हुनास का इन्वेजन हुआ जिसे इनके बेटे स्कंद गुप्त के द्वारा सक्सेसफुली रिपल्स कर दिया गया बट अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से रिपीटेडली हुनास का इन्वेजन होगा और इन हुनास को फाइनली सप्रेस करेंगे यशोधर्मन जो कि मालवा का लोकल रूलर है अब इसने जैसे ही हुनास को सप्रेस किया आप देखोगे, he asserted his इंडिपेंडेंस और इनकी देखा देखी हम देखेंगे बाकी जो रीजनल And एंड क्लेमिंग इंडिपेंडेंस एंड see ऑफ decline गुप्ता एम्पायर डिस इंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन टू मेनी रीजनल पावर्स आप यहां पे देखोगे कि हुनास के इन्वेशन के साथ साथ में ही हमारा जो लैंड रूट से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था रोमन्स के साथ में वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया इंडिया के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आप देखोगे उसमें एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी में फ्यूडल ट्रेड्स जो हैं वो आपको स्ट्रेंदन होते हुए नजर आएंगे और हम जब डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हुना का जो इन्वेशन है एंड जो अदर फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से गुप्ताज के डिक्लाइन का एक इंपॉर्टेंट रीजन बने इनके कॉइंस के ऊपर आपको कार्तिकेय देखने को मिलेंगे एंड इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन को भी रखा बट जैसे कि हमने डिस्कस किया इनके पीरियड से हम क्या देखते हैं अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इसके कई सारे रीजन है जैसे एक हुनास का इन्वेशन है एंड सेकेंडली हम देखेंगे रोमन एम्पायर इट्स सेल्फ वॉज डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक बेस्ड कॉलेप्स होने के वजह से एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब होने के वजह से साथ ही साथ में रिवोल्ट एंड रिबेलियंस हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये सब गुप्तास के डिक्लाइन का इंपॉर्टेंट रीजन बने हाँ एक और पॉइंट आपको यहां पर बताना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उन्होंने ही गोल्ड इशू करने शुरू कर दिए थे कुशाणा के स्टैंडर्ड पे समुद्रगुप्त जो है उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस इशू करे में से एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड गुप्ताइंस आगे चल के हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शाकास के टेरिटरीज को एक्वायर किया तो शाकास के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्होंने सिल्वर कॉइन जिन्हें रूपक कहा जाता है उन्हें भी इशू करना शुरू किया एंड लिमिटेड अमाउंट में कॉपर कॉइन्स जिनको चंद्रा कहा जाता था इन्हें भी इशू करना शुरू करा ये आपको थोड़ा सा नोट करना है कुमारगुप्त के टाइम पर हम देखेंगे कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो इशू तो किए जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में हम यहां पे ये भी देखेंगे कि इनमें जो गोल्ड कॉन्टेंट है वो कम होता जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन रखी कुमार गुप्त फर्स्ट ने आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये ट्वेल्थ सेंचुरी तक एक इंपॉर्टेंट मीडियम बनी रही फॉर ऑर्गेनाइज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड उन दिनों ये माना जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया बुद्धिस्ट फिलोसॉफी स्पेशली महायान फिलोसॉफी के साथ साथ में यहां पे वेरियस अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे ये आपको ध्यान रखना है अगर हम फोर फिफ्टी के पास में गुप्ताज की टेरिटरीज को देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं उनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितना है एंड इनका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो कितने एरिया के ऊपर है दिस शेडेड पोर्शन डायरेक्ट वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गुप्ताज एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द पोर्शन देयर अथॉरिटी वाज देयर देयर पैरामाउंट सी वॉज एक्सेप्टेड बट डायरेक्ट कंट्रोल वॉज नॉट देयर वाकट वर राइजिंग एज अ पावर वेल द गुप्ताज वर डिक्लाइनिंग एंड यहां पे पल्लवास जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में उभर रहे थे सो so यहां आप देख सकते हैं डिड नॉट क्रिएट एन ऑल इंडिया एम्पायर अंडर दियर कंट्रोल बट दे डिड देश नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऑफ पैरामाउंसी एंड सबोर्डिनेशन दैट एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्कंद गुप्त ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के इसके बाद में जो रूलर्स हुए वो काफी कमजोर थे एंड गुप्तास का जो डिक्लाइन है वो और ज्यादा अप हो गया इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया सो ये गुप्ताज में सेकेंड गुप्ता रूलर है जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया द फेमस विक्रमादित्य इज चंद्रगुप्त सेकेंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सुदर्शन लेक जो है उसे रिपेयर करवाया है जिसे पहले रुद्रदमन दमन फर्स्ट ने भी रिपेयर करवाया था दसाका रूलर ने बट हम यहां देखते हैं ही कुड नॉट क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड साउंड इकोनॉमिक सिस्टम विच कुड सस्टेन द एम्पायर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इसके बाद में हम देखते हैं गुप्तास का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो जाएगा मैं अगर एक रफ मैप आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि 550 फिफ्टी सीई के अराउंड गुप्तास जो हैं वो केवल आपके ईस्टर्न यूपी एंड मगध वाले एरिया में कन्फाइंड रह गए थे और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र और इनको हम लेट गुप्तास कहते हैं आप देखेंगे यहां पे हरियाणा में थानेश्वर के पास पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो एमर्ज हो रही थी हम यहां देखेंगे कन्नौज में मोखारीज गुजरात के वल्लभी में मेत्र का डायनेस्टी एंड असम वेली के अंदर वर्मंस बंगाल वाले एरिया में गॉड ये रीजनल पावर्स हैं जो एमर्ज हो रहे थे ऑन द र्यून्स ऑफ गुप्ता एम्पायर सो विल डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना शेयर करना मत भूलना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं हिस्ट्री की एंड साथ ही साथ में अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आता है तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा आपका सपोर्ट जो है वो हमें एंकरेज करता है इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को लाने के लिए सो ऑन दैट नोट आई विल कंक्लूड बट बिफोर दैट आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारा 50 डेज मेंस इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है 2025 के लिए वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है और आप यहाँ पे देखेंगे कि पर डे हम 20 क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे एंड बाकी अदर फीचर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 डेज मेंस इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे या हमें मेल पर लिखकर भी इसकी डिटेल्स जो हैं वो पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे अहेड एंड बाय बाय सी यू